बिल्कुल सच है कि मदन जलालपुर साहब है आउंदे है नेरी अनु आउंदे है ते तूफान वांगू जांदे है। मेरे अर्गा मंत्री भी डर लग पैंदा भी जो कहंदा है बाबा कर दियो पता नहीं की करूंगा। ते जेड़ा आउंदा दूजा इधर उधर दा असीं उहनूं चाह पिउणी है गुलगुला खवाउणी है बराब रू के मोड़ दिंदे हां। सो तुहाडा मंत्री तुहाडा एमएलए मेरे सत्कारयोग वड्डे भरा जुझारू व्यक्ति ने जिन्होंने आपका जीवन आजाद के तौर पर खड़ा करके अज पंजाब के अंदर एक आपका नाम पैदा किया। और बेशक मैं मंत्री बन गया मैं छोटी उम्र का है लेकिन मेरे नालों किसी किस्म के मदन जलालपुर साहब घट नहीं है। हो सकता है जे ट्रांसपोर्ट मंत्री ये बनते तो मेरे नालों भी वध जलवे थोनू वेखन मिलने से जिस तरह की तजुर्बा है उम्र के नाल बड़ा तजुर्बा आ जाता है। घनौर विच बनन वाले नवे बस अड्डे का उद्घाटन ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने किया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा बड़िंग ने कहा कि हलका घनौर विच पिछले कई साल समय तो कई सौ करोड़ के प्रोजैक्टां ते पहलां ही काम चल रहा है। हुण 84 लाख रुपए की लागत नाल नवे बस अड्डे नूं बनाउण दा काम तय समय विच पूरा कर लिता जाएगा। इस मौके हलका घनौर तो विधायक मदन लाल जलालपुर ने खुशी जताते हुए कहा कि चन्नी सरकार अपने वादियां दा तहत काम कर रही है। सरकार कोल पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक तय समय के नवे बस अड्डे का काम पूरा हो जाएगा तो आम जन मानस में यह सपुरद कर दिया जाएगा। 84 लाख रुपया असी इस बस गड्डी को और असी इहदा उद्घाटन किया अज और मैनू लगता है कि असी इहनू 2 महीनों के अंदर अंदर चोणां तो पहला पहला कंप्लीट कर अज कैबिनेट की मीटिंग है अज बन बस की कल स्ट्राइक प्रपोज है। मैनू नहीं लगता कि स्ट्राइक होएगी क्योंकि हजे तक किसी ने कदे स्ट्राइक की नहीं है जो का मैं आया और मेरे बहुत ही सत्कारयोग तमाम कर्मचारी साथी ने मैनू नहीं लगता किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक होगी। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े मुख्यमंत्री चरण चन्नी जी टीम के मैंबर कैबिनेट के राजा बड़िंग जी जेडे बहुत ही होनहार वजीर ने जिन्होंने ट्रांसपोर्ट माफिया को पहली बार पंजाब नत्थ पैया वो अज इतने अपने कमल कमलों ना अपने ये जो सा बस स्टैंड की जी डिमांड से बड़ी देर तक रुके पे वो पैसे दे के अच्छे काम शुरू कराए गए हैं। मैं उम्मीद है भी बस स्टैंड 2 महीने के तैयार हो गया 84 लाख वो कहना भी जिन्ना ही पैसा लगता ला दो ये जिन्ना इन्होंने एस्टीमेट दिया उन्होंने देता क्या होर नहीं लौड़ा 20 लाख से 50 लाख से होर भी दे दूँ कहते वधिया बस स्टैंड बनाओ जो बिल्कुल सही हो चंगे ढंग ना बनाओ पैसे की कोई कमी नहीं पंजाब सरकार मैं कह के सारा भी 21 करोड़ थोड़े चालू करके दूंगा 200 बस बारे 3-4 बसा होनी जरूर बाकी जो नवी बसा पे 25 बसा मैं भेज दूंगा सारी।